हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और आई होप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और यहाँ पे मैंने घी ले लिया है, यहाँ पे बना रही हूँ सूजी का हलवा। तो मैंने 1.5 चम्मच घी ले लिया है और यहाँ पे मैं बनाऊँगी शादी में जो हलवा बनता है ना, ये घी दिखाई देता है जी, वैसे ही बनाना है, लेकिन मैं थोड़ा कमी डालूँगी घी। तो बने रहिए मेरे साथ। और ये मैंने घी गरम हो गया है तो मैंने ये सूजी ले ली है, तो इसको अच्छे से भून लूँगी मैं, जिससे कि अच्छी खुशबू आने लगे। और ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है मुझे। तो मैं ऐसे ही मीडियम फ्लेम में पकाती रहूँगी। और मेरा हलवा भुंज गया था मीडियम फ्लेम में, तो मैंने पानी डाल दिया था जो क्लिप में सो चुकी है। तो आप डाल लीजिए पानी। और चीनी मैंने 1.5 चम्मच 1.5 कटोरी डाली थी चीनी। आपको जितना मीठा चाहिए हो आप उसी हिसाब से ले लीजिए। तो बस इसको अच्छे से चलाते रहेंगे, हाई फ्लेम में पकाएंगे। और ये घी और डाल लिया है क्योंकि हम ज़्यादा घी वाला बनाना है हलवा, तो इसलिए आपको अगर कम घी वाला बनाना है तो आप उतना ही घी डालें, 1.5 चम्मच। और ये देखिए, और यहाँ पे बेटा हमारा चटपटियाँ चला रहा है पटाखे। और दर्द होने लगते हैं तो फिर कढ़ाई में छोड़ देती हूँ चम्मच। तो बस ऐसे ही हाई फ्लेम में पका लूँगे अच्छे से हलवा। और यहाँ पे बेटे को शौक़ लग रहा था हलवा चलाने का, तो मैंने कहा चलो चला लो। तो ये देखिए, अब तो उसको शौक़ लगने लगा है हर चीज़ में हेल्प करने का। तो लेकिन मैं कराती नहीं हूँ, अभी छोटा है गैस का काम। तो अब मैं चला दूँगी क्योंकि नीचे लगने लगा था वो, और उसे चल नहीं रहा था सही से। तो ये मैं कर लूँगी सही, और इसको ऐसे ही चलाते चलाते पका लूँगी अच्छा से, जब तक भुरभुरा सा ना हो जाए। और अगर आपको भुरभुरा सा हलवा चाहिए है तो आप घी ज़्यादा मात्रा में डाल दें, तो अच्छा सा भुरभुरा हलवा तैयार हो जाता है और वो खाने में भी अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैंने कलर ले लिया है येलो कलर का, तो मैं थोड़ा सा पानी डाल दूंगी जैसे ये घुल जाए कलर, और फिर मैं हलवा में मिक्स कर दूंगी और इसको पका लूंगी अच्छे से।
तेज फ्लेम में ही पकाना है। और ये देखिए कितना प्यारा कलर लग रहा है मिक्स होने के बाद, लेकिन इसको अच्छे से पका लूँगी। और ये देखिए मेरा हलवा पक गया है, तो अब मैं इसको निकाल लूँगी थाली में। और यहाँ पे मैंने निकाल लिया है सारा हलवा, तो मैं दो बाउल में लगा दूंगी हलवा, फिर थाली में फैलाकर अच्छे से पीसेस कर दूंगी उसके। तो ये दो बाउल में निकाल लूंगी हलवा। प्यारा कलर लग रहा है देखने तो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, खाने में भी बहुत यम्मी बना था, अच्छा बुरबुरा था, ज़्यादा वैसा नहीं था, गीला गीला सा, तो बहुत अच्छा लग रहा था खाने में। और यहाँ पे गरी का कस के डाल दी थी मैंने, आप गरी का भूरा हो तो वो भी डाल सकते हैं। गरी डाल दूंगी मैं, और आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा वीडियो। और फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू। और यहाँ पे मैं पीस काट लूँगी, ये थाली में फैलाया था हलवा। और मेरे बेटे को तो बहुत अच्छा लग रहा था, ये देखिए बिल्कुल भी।